नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल कंजप्शन के बारे में, उसको मेजरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्यूल कंजप्शन होती है इंजन के अंदर, हम उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसको क्या तरीका है फ्यूल की कंजप्शन को मेजर करने का। तो यहाँ पे हमने दो फिगर बनाई हैं, इनके थ्रू हम इसको समझेंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है फ्यूल को कंजप्शन को मेजर करने का कि कितना फ्यूल हमारा कंज्यूम हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, टाइम मापना होता है कि कितने टाइम में हमारा फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ है, उसकी क्वांटिटी मापनी होती है कि जो नोन क्वांटिटी है वो कितनी है। हमारे पास एक नोन क्वांटिटी होती है फ्यूल की, उसको हम कंज्यूम करते हैं और उसका टाइम हम मेजर कर लेते हैं कि जो क्वांटिटी है, मान लीजिए हमारे पास 1 kg ऑफ फ्यूल है और वो 1 घंटे में कंज्यूम होता है, 1 आवर में कंज्यूम होता है। तो इस तरह से हम उसको मापते हैं कि जो नोन क्वांटिटी होती है उसका हम टाइम माप लेते हैं, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि जो फ्यूल कंजप्शन का रेट क्या है वो है क्या। तो देखिए यहाँ पे इसको हम इसको समझते हैं इन दोनों फिगर से। यहाँ पे जो पहली फिगर बनाई गई है, यहाँ पे देखिए 1 के अंदर 100 cc फ्यूल आएगा और यहाँ पे 200 cc की जो ये ट्यूब लगाई गई है, तो इनके अंदर जो फ्यूल आएगा यहाँ से फ्यूल टैंक से आएगा। जो फ्यूल टैंक है जहाँ से हमें फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल टैंक के थ्रू यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लगा है थ्री वे वाल्व हम इसको बोलेंगे, या थ्री वे कोक आप इसको बोल सकते हैं, कि ये जो थ्री थ्री पैसेज होंगे इसके, जैसे एक ये है, दो और तीन, तो तीनों तरफ ये ब्लॉक कर सकता है या सप्लाई कर सकता है फ्यूल को। तो जो फ्यूल आएगा तो इसको हम 1 के अंदर भेज देंगे, ये रबर कनेक्शन है, ये पाइप्स हैं, तो 1 के अंदर भेज देंगे। मान लीजिए हम 100 cc वाले के अंदर फ्यूल की सप्लाई दे देते हैं, तो 100 cc वाला फिल हो जाएगा, इस तरह से फिल हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर भी लगा है थ्री वे कोक, और ये जो थ्री वे कोक है ये क्या काम करेगा, ये इस सप्लाई को इंजन के अंदर देने का काम करेगा जहां पे फ्यूल हमारा कंज्यूम होगा। तो क्या होगा, मान लीजिए हम इसको ओपन कर देते हैं, इस वाल्व को हम ओपन कर देते हैं, तो जो 100 cc वाली ये ट्यूब थी हमारी, इसके अंदर से जो हमारा फ्यूल है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा और वो इंजन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसी टाइम पे जब हम इसके अंदर यहाँ फ्यूल दे रहे होंगे, यहाँ से ये तो खत्म होना स्टार्ट होगा लेकिन इस वाल्व के थ्रू ये फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक हमारा कंज्यूम होना स्टार्ट होगा और एक हमारा फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये कंज्यूम होगा हमारा फ्यूल, तो हम इसको स्टॉप वॉच के थ्रू इसका टाइम मेजर कर लेंगे कि कितने टाइम के अंदर ये खत्म हो गया है। हम यहाँ से क्लोज कर देंगे वाल्व को और यहाँ से इसका टाइम नोट करना स्टार्ट कर देंगे कि कितनी देर में ये हमारा फ्यूल जो है कंज्यूम हो गया है, इसका टाइम नोट कर लिया जाएगा। इसी तरह से और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए फिर हम यहाँ से वाल्व क्लोज कर देंगे जब ये पूरी अच्छी तरह फिल हो जाएगा, और इसका ये वाल्व ओपन करके इस फ्यूल को हम इंजन के अंदर लेंगे और फिर इसका हम टाइम नोट करेंगे कि कितने टाइम में ये खत्म हो गया है, तो कितने टाइम में खाली हो गया है, यानी कि जो ये फ्यूल है ये इसके अंदर कंज्यूम हो गया है। तो हमने टाइम को मेजर कर लेना है स्टॉप वॉच के थ्रू, 100 cc का भी, 200 cc का भी, और नोन क्वांटिटी हमारे पास इसके अंदर होगी ही, इसके अंदर 100 cc है, इसके अंदर 200 cc है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, नोन क्वांटिटी है और हमने टाइम मेजर कर लिया, तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा फ्यूल कंजप्शन रेट है वो है क्या, कितने टाइम में कितना फ्यूल हमारा कंज्यूम हो रहा है। या फिर इसका दूसरा बहुत ही सिंपल मेथड है कि जो एक फ्यूल हमारा टैंक है, ये फ्यूल टैंक है, इसके थ्रू डायरेक्टली एक ब्यूरेट को जोड़ दिया जाए, ये ब्यूरेट है जिसके ऊपर यहाँ पे मार्किंग की गई है स्केल के साथ, तो इस वाल्व को ओपन किया जाएगा, वाल्व को ओपन किया जाएगा तो यहाँ पे फ्यूल फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद इस वाल्व को क्लोज कर दिया जाएगा, ये ब्यूरेट में जितना भी हम नॉन क्वांटिटी लेना चाहते हैं फ्यूल की वो ले लेंगे, और फिर इसको ओपन करके दे दिया जाता है इंजन के अंदर। तो इंजन के अंदर इसको दे दिया जाता है
और ओपन करने के बाद जितना भी फ्यूल कंज्यूम होगा उसका हम टाइम मेजर कर लेंगे कि कितने टाइम में कितनी जो नॉन क्वांटिटी थी फ्यूल की वो कंज्यूम हुई है, तो उसके थ्रू हम फ्यूल कंजप्शन रेट निकाल सकते हैं कि कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ कितने टाइम में। तो फ्यूल मान लीजिए हमारा वी, मान लेते हैं कि वी जो है हमारा फ्यूल कंज्यूम हुआ सीसी के अंदर, इनटू फिर उसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मल्टीप्लाई करते हैं कि जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है फ्यूल की वो है क्या। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर कितने टाइम में टाइम हम नोट कर लेते हैं। तो इन तीनों चीजों को हम निकाल कर पता लगाकर इसका हम फ्यूल कंजप्शन रेट निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में कितना फ्यूल हमारा कंज्यूम होता है। तो एक सिंपल सा मेथड था ये मेजरमेंट ऑफ फ्यूल कंजप्शन का। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।